दिनेश कार्तिक के लिए आईपीएल 2023 ठीक नहीं जा रहा है, ना तो बल्ले से और ना ही कीपिंग से वो मैचेस पर कोई असर डाल पा रहे हैं। विकेट के दोनों ओर उनकी खराब फॉर्म जारी है और दिल्ली के खिलाफ तो वो एक और गलत वजह से चर्चा में आ गए। बात आरसीबी की पारी के 19वें ओवर की है। गेंद मुकेश कुमार के हाथ में थी, उन्होंने महिपाल लोमरोर को एक बेहतरीन यॉर्कर डाली। लोमरोर किसी तरह इस पर अपना विकेट बचा पाए, उनके बल्ले से लगी गेंद वापस बॉलर की दिशा में लौट पड़ी और दूसरी ओर स्ट्राइक पर आने की जल्दी में डीके तेजी से भागे चले गए। लोमरोर अपने एंड पर खड़े ही थे और डीके लगभग आधी पिच पार कर गए। इधर जब लोमरोर ने देखा तो उन्होंने डीके को तुरंत वापस भेजा। विकेट खतरे में देख डीके बहुत तेजी से मुड़े और भाग चले। इधर तब तक मुकेश ने गेंद कलेक्ट कर ली थी और उन्होंने तुरंत ही इसे नॉन स्ट्राइकर एंड की ओर थ्रो कर दिया, लेकिन गेंद विकेट पे लगी नहीं क्योंकि डीके विकेट के सीधे में भाग रहे थे और मुकेश को विकेट्स दिखे ही नहीं। इस बात से दिल्ली के कप्तान वार्नर बहुत नाराज हुए। लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे वार्नर चीखते हुए डीके के पास तक आए, जहां डीके ने अपनी सफाई में काफी कुछ कहा, लेकिन इससे वार्नर का गुस्सा कम नहीं हुआ, वो चिल्लाते दिखे। हालांकि इतना सब होने के बाद भी दिल्ली ने डीके के खिलाफ फील्डिंग में व्यवधान की अपील नहीं की और डीके इस तरह आउट होने से बच गए। वार्नर के साथ इस बात से बाहर बैठे लोग भी गुस्सा हुए। पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर और कोच टॉम मूडी ने ट्वीट किया, माफ करना डीके, लेकिन ये निश्चित तौर पर फील्डिंग में व्यवधान था। खैर, ये चाहे जो रहा हो, डीके इसका फायदा नहीं उठा पाए। अगले ही ओवर में वो मोहम्मद खलील की गेंद पर आउट हुए। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्लियर करने के चक्कर में वो वार्नर को ही कैच थमा बैठे। 20वें ओवर की पहली गेंद पर आउट होने से पहले डीके ने अपनी छोटी सी पारी में 9 गेंदों पर 11 रन बनाए। आरसीबी ने इस मैच में 20 ओवर्स में 181 रन बनाए थे। विराट कोहली ने इनिंग्स ब्रेक में कहा था कि ये ठीक स्कोर है, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों ने उन्हें पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। दिल्ली ने 16.4 ओवर्स में 3 विकेट खोकर जीत के लिए जरूरी रन बना लिए। फिल सॉल्ट ने सिर्फ 45 गेंदों पर 87 रन की आतिशी पारी खेली। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।